वेलकम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेंटेनेंस केस में पत्नी से कोर्ट में कौन से सवाल पूछे जिससे आप उस मेंटेनेंस केस को अपनी साइड में कर सकते हैं, उस मेंटेनेंस केस को जीत सकते हैं। यहाँ पे पत्नी के द्वारा जो कोई भी आरोप आपके ऊपर लगाए गए हो या फिर पत्नी किसी भी तरीके से मेंटेनेंस लेने की कोशिश कर रही हो, अगर आप इस तरीके से पत्नी से मेंटेनेंस केस में सवाल करते हैं तो यहाँ पे आज की वीडियो में 8 सवाल बताने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये सवाल अगर आप पत्नी से पूछते हैं तो बिल्कुल आप उस मेंटेनेंस केस को जीत सकते हैं, उस मेंटेनेंस केस को अपनी साइड में कर सकते हैं। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पहला सवाल इस तरीके से करना है कि यह बात तो सही है कि आप अपने ससुराल में घर का कोई कार्य नहीं करती थी, जो भी कार्य है आपकी सास और ननद करती थी, आप पूरे दिन बस मोबाइल में ही लगी रहती थी। तो यहाँ पे आपकी वाइफ का जॉब आएगा, ना ऐसा नहीं है, मैं घर का पूरा कार्य करती थी। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी पत्नी मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट है, क्योंकि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस केस में ये लाइन भी लिखवाई जाती है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ और फिजिकली भी मैं फिट नहीं हूँ, क्योंकि मेंटली मेरे को टॉर्चर किया गया है, परेशान किया गया है, फिजिकली मेरे साथ मारपीट की गई है। तो इस तरीके से वो बातें लिखवाती है, पर इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पत्नी मेंटली और फिजिकली फिट है। यहाँ पे खुद एक्सेप्ट करिए कि मैं घर का पूरा कार्य करती हूँ, तो यहाँ पे वो कोई भी कार्य कर सकती है। तो पहला सवाल आपको इस तरीके से जरूर करना है। अब दूसरा सवाल आपको इस तरीके से करना है, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, उसके पास में अच्छी डिग्री है, वो जॉब कर सकती है, तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है कि आपके पास में अच्छी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, डिग्री है, फिर भी आप जॉब नहीं कर रही है, तो यहाँ पे पत्नी का जॉब आएगा हाँ। तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है तो आपको दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि अगर आपको कोई बिजनेस खुलवा दिया जाता है आपके घर पे और आप अभी फ्री हैं, तो बिल्कुल आप उस बिजनेस को कर सकती हैं, तो यहाँ पे उसका जॉब आएगा हाँ। तो यहाँ पे वो ना भी नहीं कर सकती, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि जानबूझ के कुछ भी नहीं करना चाहती है, तो यहाँ पे वो हाँ ही करेगी। और हाँ करेगी तो उसकी डिटेल लाके आप कोर्ट में दे सकते हैं कि वो बिजनेस करने लगी है, वो अर्न करने लगी है, वो कमाने लगी है। तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है कि अगर पत्नी पहले जॉब करती थी और अभी अगर प्रेजेंटली वो जॉब नहीं करती है, तो यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि पहले आप जॉब करती थी, आप कैपेबल हैं, अभी आप जॉब नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे पत्नी का जॉब आएगा हाँ। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है। अब चौथा सवाल आपको इस तरीके से करना है कि अगर पत्नी जॉब कर रही है और फिर भी अगर वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल ली है, तो चौथा क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि आप जॉब कर रही है फिर भी पति के ऊपर मेंटेनेंस डाली है, यानी कि मेंटेनेंस का केस डाली है, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग भी है, आप कमा भी रही है, फिर भी आप पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाली है, तो ये बात सही है, तो यहाँ पे पत्नी का जॉब आएगा हाँ। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पत्नी जॉब भी कर रही है और फिर भी वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाली हो, मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो यहाँ पे उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से उसका जॉब आ जाएगा। तो ये 4 सवाल हो गए। अब यहाँ पे 5वां सवाल इस तरीके से होगा, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आप और आपके पति कई बार बाहर घूमने फिरने भी गए हैं, साथ में आप दोनों की कई पिक्स भी हैं, फोटो भी हैं, इनसे साफ नजर आ रहा है कि आपके पति का आपके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था और साथ में आप दोनों की पिक्स भी हैं, तो ये बात सही है, तो यहाँ पे पत्नी का जॉब आएगा हाँ। या फिर इस तरीके से भी पत्नी से प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपके पति आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, वो बाहर जॉब करते हैं तब भी वो आपके अकाउंट में समय समय पर पैसे भेजे हैं और आपकी जो भी डिमांड है उसकी पूर्ति भी किए हैं, काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस भी हैं, तो ऐसा आपके पति आपके साथ में बहुत बार किए हैं, तो ये बात सही है, तो यहाँ पे पत्नी का जॉब आएगा हाँ। वो मना नहीं कर सकती अगर ऐसे एविडेंस है, तो इनसे पता चल जाएगा कि पति का पत्नी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा है, तो ये इस तरीके से सवाल करना है। अब यहाँ पे 6वां सवाल इस तरीके से होगा कि आपके पति आपको कई बार ससुराल ले जाने की कोशिश किए, आप नहीं गई, ये बात सही है, तो यहाँ पे पत्नी का जॉब आएगा हाँ। वो मना नहीं कर सकती, इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि पत्नी जानबूझ के ससुराल में नहीं जाना चाहती है। अब 7वां सवाल इस तरीके से होगा कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है वो अपने ससुराल में रहे, अपने पति की देखभाल करे या फिर अपने सास ससुर की देखभाल करे, और यहाँ पे पत्नी का ये कर्तव्य होता है, आपने पत्नी के जो कर्तव्य है उसकी पालना नहीं की है, ये बात सही है, आप अपने मायके में रह रही हैं, आप अपने ससुराल में नहीं है, तो ये बात सही है, तो यहाँ पे पत्नी का जॉब आएगा हाँ। में जॉब आता है, तो यहाँ पे पत्नी का जो कर्तव्य है वो उसकी पालना नहीं कर रही है। अब यहाँ पे 8वां सवाल इस तरीके का होगा, अगर पत्नी एडल्ट्री में है किसी के साथ, उसका अगर रिलेशन है या फिर किसी से बातचीत करती है, तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं कि काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स हमें मिली हैं जिनमें स्पष्ट हुआ है कि आप
काफ़ी समय से किसी अन्य के साथ में कॉल पे बात करते हैं या फिर उससे रिलेशन में है, ये सारे एविडेंस हमारे पास में है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे पत्नी का जवाब आएगा हाँ, तो इस तरीके से वो हाँ बोलेगी। तो यहाँ पे इन सभी से स्पष्ट हो जाता है, जैसे पत्नी अगर एडल्ट्री में है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, या फिर पत्नी जानबूझ के अगर मायके रह रही है वो ससुराल में नहीं जा रही है तो यहाँ पे मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप उनसे करते हैं, पत्नी से करते हैं, जो मैं 8 सवाल आपको बताया हूँ, यहाँ पे स्टेप वाइज अगर वो सवाल आप उनसे पूछते हैं, पत्नी से पूछते हैं, तो बिल्कुल आप उस मेंटेनेंस केस को अपनी साइड में कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सभी को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।